नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर ता का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम भी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिस बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली तो है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी दो में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी दो हजार में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्ट्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वही ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ, रावल, सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी दो में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की, की हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम दो 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्ट्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है मौर्य फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्ट्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स के के इसका बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस कलेक्शन कितना कितना था था प्राइस किस तरीके से बॉक्स हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें भी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है मौर्य फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम भी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम दो 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी देखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली तो है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी दो में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम दो 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ, कैफ्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम दो हजार में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ, कैफ्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है मौर्य फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ, रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपये की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम भी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की कि थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की हैं। और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की हैं। और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमू 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए हैं। और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है मौर्य फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की कि थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिस बातें बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना के कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना के कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिस में बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी है और यह फिल्म 22 22 दिसंबर दिसंबर सॉरी 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम भी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की कि थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर ता का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप पर... नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की कि थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर ता का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की हैं। और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमू 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है मौर्य फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स के के इसका बॉक्स बॉक्स ऑफिस ऑफिस कलेक्शन कितना कितना था था प्राइस यह किस तरीके से बॉक्स हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा पहले को करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमू दो हजार में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अबाज जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वह सलमान खान कैटरीना कैफ रावल अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम दो हजार में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ्रावल सुदीप अंगद बेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वह 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की किए हैं और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वही आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका ये अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह मूवी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर ता का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्ट्रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कोस्ट प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और ये किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वही ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की, की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमें अभी 2012 में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं ये आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ, कैफावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच करोड़ रुपए की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका प्राइस कितना था ये किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था ता टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हमू दो हजार में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ फ्रेश रावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वो पाँच सौ पैंसठ करोड़ रुपये की है और यह फिल्म का अवधि 114 मिनट की है सॉरी 145 मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मूवी के बारे में जिसमें बारे में बताने वाले हैं जिस मूवी की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर जिंदा है जी हाँ 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म टाइगर जिंदा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टाइगर जिंदा है के स्टार कास्ट के बारे में लीड रोल के बारे में और टाइगर जिंदा है ने कितनी कमाई की थी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था इसका कॉस्ट प्राइस कितना था यह किस तरीके से बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और यह किस तरीके से ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई है वहीं एक था टाइगर का दूसरा भाग टाइगर जिंदा है यह मूवी किस तरीके से आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप भी टाइगर जिंदा है मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों टाइगर जिंदा है यह हम अभी दो में आई फिल्म जिसका नाम था एक था टाइगर का दूसरा भाग है टाइगर की दूसरी श्रृंखला है और यह फिल्म 22 दिसंबर सॉरी 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई है फिल्म एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माता आदित्य चोपड़ा के कि द्वारा किया गया है वहीं आपको बता दें कि इसमें लीड रोल में जो आपको दिखेंगे वो सलमान खान कैटरीना कैफ रेस्टावल सुदीप अंगद वेदी दिखने वाले हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कुल लागत जो कॉस्ट प्राइस थी वो 210 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार जो है वह पाँच करोड़ रुपये की किए हैं और यह फिल्म का अवधि एक मिनट की है सॉरी एक मिनट की है और यह फिल्म यशराज फिल्म स्टूडियो के द्वारा निर्देशित और पब्लिश की गई थी आपको बता दें कि अगर आपने टाइगर जिंदा है सॉरी अगर आप एक था टाइगर मूवी को देखे होंगे तो उसका यह अगला भाग टाइगर जिंदा है मूवी को बनाया गया है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को आप